बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ समरा इस्लाम, समरा किचन से आज बहुत ही ज़बरदस्त सा टोटका लेकर आई हूँ आपके लिए। होममेड सिरप बनाएंगे आज हम खांसी के लिए। बहुत ही मुफीद होता है अदरक और शहद, इसके बहुत से फ़ायदे हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं या आप बड़ों को भी दे सकते हैं, सबके लिए ही बहुत ही मुफीद है, झटपट खांसी का इलाज है इसमें। चलिए हम सबसे पहले अदरक को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। मुझे इसका चाहिए होगा जूस, इसलिए मैंने इसको ग्रेट किया है। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे अदरक का कहवा भी शेयर किया हुआ है, वो भी बहुत मुफीद है आजकल के मौसम के हिसाब से। जैसे आजकल मौसम है नज़ला जुकाम बुखार का, और अक्सर लोगों को हो जाती है सांस में मसला, जिससे सांस लेने में मुश्किल होती है उनको, तो उनके लिए वो बहुत ही मुफीद है अदरक का कहवा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वो भी जरूर देखिएगा। इसका हम सारा पल्प निकाल लेंगे यानी कि जूस। ये देखिए कितना सारा जूस इसका निकल आया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज्यादा होगा। बहुत ही जल्दी इससे आपकी खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी, आप बच्चों को भी दे सकते हैं, जो 1-2 साल के बच्चे हैं आप उनको चटा सकते हैं, और जो 2.5 से 3 साल के बच्चे हैं आप उनको 1 टीस्पून दे दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे शहद, 1 टेबलस्पून तक ये है जिंजर का जो हमने जूस निकाला है वो, तो मैं 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करूंगी शहद यानी कि हनी। बहुत ही जल्दी से हमारी खांसी सही हो जाएगी, हमारी जो सांस लेने की मुश्किल होती है वो भी बहुत जल्दी से सही हो जाती है। मैं बच्चों को ज़्यादातर मेडिसिन नहीं देती जो बाहर की होती है, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि घर की ही चीज़ें उनको दूँ, क्योंकि अभी से ही अगर वो इस तरह की चीज़ों के आदि हो जाए तो उनको फिर इस चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, फिर मेडिसिन के अलावा वो सही नहीं हो सकते, इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि घर की ही चीज़ें उनको दूँ। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। आप देखें ये हमारा बिल्कुल बाहर जैसा कफ सिरप बिल्कुल रेडी हो रहा है, होम मेड कफ सिरप भी कह सकते हैं आप इसको। अब आपने इसको ये देना है, रात सोने से पहले भी इसको चटा दें, सुबह भी दे दें, 3 टाइम दे सकते हैं, बड़े बच्चों को छोटे बच्चों को हमने चटाना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।